पावर यही जब शुरू हो खत्म झमकावला से हुई। हम लोग जहाँ जा रहे हैं तहाँ फोन में दिख रहा है। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, काराकाट दाऊद नगर ओबरा क्षेत्र आएंगे आएंगे। बिल्कुल, माँ गिले आशीष चाची छू के चरनिया दे दी है अपन दूल्हा। खाना खिलाइए उसके बाद पूछिए पेट भरा कि नहीं। अच्छा, अने तो खाना खिलाइए मत कीजिए, पूछिए पेट भर गया तो कैसे हो सकता है। तो आप लोग खाना खिला कर पूछिए, तो पहले वोट देकर तब देखिए क्या करते हैं। सपोर्टर बजनिया कहने वालों को जी जी पवन सिंह काम करके जवाब दे देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को सुप्यार। दोस्तों अभी हम दाऊ नगर भखरुआ मोड़ के पास हैं और यहां पर पवन सिंह के जो चाचा जी हैं अशोक सिंह जी यहां पर नज़र आ गए हैं। और यहीं पर चाय का चुस्की लेते हुए छोटू चाय दुकान आपको पता होगा और हरि ओम मिष्ठान आपको पता होगा दाऊ नगर भखरुआ मोड़ पर। वहाँ पर एक लड़की नज़र आ गई है जो बताती है कि हम पवन सिंह का फ़ैन है। मगर इससे पहले हम चाचा जी से बात करते हैं कि चाचा जी लगभग आप 23 तारीख से लेके आज 20 तारीख हो गया है, अब तक आप पवन सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या चल रहा है अंदर की बातें, लोगों को बताएं कैसा आपका प्यार मिल रहा है। सबसे पहले तो बिहारी बाबू हेमराज चैनल से जो भी देख रहे हैं काराकाट का जनता सबको मेरा प्रणाम। क्या आप चल रहे हैं प्रचार अभियान में, लोग वोट मांग रहे हैं गांव-गांव में जाकर, तो क्या है आपको रिजल्ट मिल रहा है पवन सिंह के लिए? हम लोग जहां जा रहे हैं तहां फोन में दिख रहा है। अच्छा, जिस गांव में हम लोग जाते हैं वहां जाने पर हम लोग यही पता चलता है कि यहां फोन में है। अच्छा, पवन में है तो पवन जी बहुत सारे वादे करते हुए चल रहे हैं कि जो मुझे सैलरी मिलेगी संसद का, उस सैलरी को मैं जो गरीब घर के बेटी रहेगी या कोई भी बेटी रहेगी तो उससे मैं उस पैसे से शादी कराऊंगा, क्या ये कितना सच है ये बताइए। देखिए आज तो चुनाव में खड़े हैं, इसके पहले भी ऐसा काम किए हैं लेकिन पवन बोलते नहीं। अच्छा, आप लोग भी जानते हैं कि पवन जो भी करते हैं या किसी को सहयोग करते हैं किसी मीडिया वाले के सामने नहीं बोलते हैं। अभी 2-3 महीना पहले हुआ, आप लोग देखे होंगे बलिया में एक गढ़ा महोत्सव होता है, वहाँ पर 21 लड़की का शादी पवन ने कराए। जी जी, तो आम जनता जानती है, ये भी जानती है कि पवन ना नाम के लिए मोहताज है ना पैसा कमाने के लिए मोहताज है। काराकाट का जनता जानती है कि पवन सेवा के लिए आए हैं। जिस तरह से भोजपुरी भाषा बोलने वाला लोग भोजपुरी को विश्व के पटल पर पहुंचा दिया, उस तरह से पवन को फिर यहाँ का जनता संसद तक पहुँचाएगी। जी चलिए, बहुत ही अच्छा। और दूसरे चीज़ मैं आपको बताऊं कि लोग जनता कह रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को एक बार मौका दिया गया था और राजा राम जी को भी मौका दिया गया है जो 10 साल विधायक बने हुए थे, मगर जनता का कहना है कि एक बार पवन सिंह को ज़रूर हम सपोर्ट करेंगे, क्या ऐसा मैसेज आपको मिल रहा है? कौन क्या किया नहीं किया हम लोग किसी के विषय में कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, अच्छा किया है वो भी यहाँ के लोग जनता बताएगी, नहीं किया वो भी जनता बता रही है। आप लोग हर जगह घूम घूम कर देख रहे हैं, हम लोग अपने मुंह से किसी को गिलवा शिकायत नहीं करेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए, और उसके बाद आपका नाम क्या हुआ? सिंगर बीनू दीवानी। अच्छा, सिंगर बीनू दीवानी जी, आप ये बताइए कि पवन सिंह का कब से आप फैन है? जब से मैं इस लाइन में आई हूँ तब से भी, उससे पहले भी, बचपन से ही। मैंने बचपन से जी, क्योंकि वो गाना जैसा गा देते हैं, जो कर देते हैं वो कोई नहीं कर पाता है, कोई नहीं कर पाता नहीं। है। अच्छा, उनका कोई डायलॉग वगैरह याद है उनका? जी, पावर यही जब शुरू हो खत्म झमकावला से हुई। अच्छा, अभी इस समय एक और डायलॉग चल रहा है कि काराकाट से ही पावर काराकाट से ही शुरू हुई और काराकाट में ही खत्म, पता है ना? जी जी। अच्छा बताए, पवन सिंह का फैन है तो पवन सिंह के लिए आप गाना भी गा सकती हैं? जी जी, गाइए। माँ गिले आशीष चाची छू के चरनिया दे दी है अपन दूल्हा, वोट मांगे बेटवा तोहार ए चाची सुना, वोट मांगे बेटवा तोहार।
अच्छा, पवन सिंह को ही सपोर्ट करने वाले हैं कि किसी और को? क्योंकि आप बीच बाजार में बिल्कुल खड़े हैं, बीच सड़क के सामने भी खड़े हुए हैं, तो दिल खोल के बताएं आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? पवन सिंह। पवन सिंह को सपोर्ट करना चाहते हैं। चलिए, बिन्नू दीवानी है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह बस बढ़ जाएंगे आगे, जब जीत जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के पास क्या कमी है, सब चीज़ें उनके पास, पैसा, धन, रुपया सब है, लेकिन उनको बस एक बार मौका आप लोग दीजिए, मेरे तरफ से हम भी कह रहे हैं बस आप लोग से हाथ जोड़ से कि उनको एक बार मौका आप लोग दीजिए और मौका देकर देखिए, क्योंकि पवन भैया जो कोई ने किया वो करके दिखाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा। आप किसे सपोर्ट करेंगे भैया, आप बताइए? पवन सिंह। पवन सिंह को ही क्यों? पवन सिंह अच्छा है। अच्छा, सिर्फ माने अच्छे हैं इसलिए? अच्छा काम करता है, अच्छा रहा है समाज के लिए, अच्छा काम करता है। तो कारा काट के लिए, कारा काट के लिए क्या किए? कारा काट के लिए तो नहीं, अभी तो आए हैं करने के लिए, कारा काट के करने के लिए समाज के मैंने आए हैं समाज में, करके दिखाएंगे। मैंने कहने वादा तो हर कोई करता है, लेकिन वादा जो करता है ये करता है, मैंने पक्का है कि ये करते हैं, पक्का करता है। लोग अभी चाचा जी बोल रहे थे कि पवन जी कम बोलते हैं, पवन मगर जो बोलता है वो करता है, हम जो बोलता है वो करता है। चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, कि लोगों को के अंदर में एक मैसेज मिल रहा है, आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? हम पवन जी को सपोर्ट करना चाहते हैं। पवन सिंह को ही? हाँ। पवन सिंह को ही क्यों करना चाहते हैं? हमारे लिए बेस्ट है। तो आपके लिए राजा राम भी बेस्ट हो सकते हैं? नहीं, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पवन सिंह को ही चाहिए। पवन सिंह को। चलिए, आप किसे सपोर्ट करेंगे चाहिए? पवन सिंह। अच्छा, ये बताइए, आपके उम्र के लोग कह रहे हैं कि हम मोदी जी को देंगे, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी को, आप पवन जी में कैसे चल गए? पवन जी में इसलिए चल गए कि वो कलाकार आदमी है, 10,000-20,000 आदमी का जो मनोरंजन कर सकता है, वो विकास भी कर सकता है। तो विपक्ष तो ये भी कर रहा है कि पवन सिंह जो है से लफुआ बोल रहा है लोगों को, और पवन सिंह नहीं, लोगों को बताया जा रहा है, जनता ही बोल रही है कि लफुआ बोल रहे हैं लोग, लोग ये भी बोल रहे हैं कि नचनिया बजनिया क्या करेगा यहाँ पर? नचनिया बजनिया कहने वाले तो उनका बात ही छोड़िए, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि जो 10-20,000 आदमी का मनोरंजन कर सकता है वो विकास भी करेगा, और नचनिया बचनिया कहने वाले को का बात ही कुछ। चलिए, बहुत देखिए, मैं आपको बताऊं कि नचनिया यानी जनता के भी का नाम है कि देखिए, नचनिया बचनिया कहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पावर यहीं से स्टार्ट होता है और पावर यहीं ख़त्म होता है, बहुत सारा ऐसे डायलॉग चल रहे हैं। आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? पवन सिंह। पवन सिंह को? पवन सिंह को देखे हैं? बहुत। कितना बार देख लिया काराकाट में? बहुत बार। बहुत बार, मैंने पूरा दिल भर गया है कि अभी आओ देखना है। ना, दिल कैसे भर गया है, अभी देखना ही रहना है पूरा, मैंने जिता के रहेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। कहाँ के रहने वाले हैं? शमशेर नगर से। आधी रतिया के क्या कर रहे हैं आप? काम है। हाँ, तो ये पवन सिंह को बचा कर रहे हैं? काम से आए थे। अच्छा, काम से आप लोग को देखे तो रुक गए। अच्छा, रुक गए, पवन सिंह को प्रचार कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा। देखिए, शमशेर नगर से हैं, मगर यहाँ पर ये आए और बताएं कि पवन सिंह का हम सपोर्टर हैं। बजनिया कहने वालों को जी पवन सिंह काम करके जवाब दे देगा। अच्छा, काम करके जवाब दे देंगे? दे देंगे। मैंने तो पहले जीतना हो, पहले लोग कहते हैं ना, पहले खाना खिलाइए, उसके बाद पूछिए पेट भरा कि नहीं। अच्छा, मैंने तो खाना खिलाइए मत कीजिए, पूछिए पेट भर गया तो कैसे हो सकता है, तो आप लोग खाना खिलाकर पूछिए, तो पहले वोट देकर तब देखिए क्या करते हैं। वाह वाह। चलिए, बिन्नू जी ने बहुत अच्छी बात बोली है, आप किसे सपोर्ट करना चाहते हैं? बोलो। पवन सिंह के। पवन सिंह को ही क्यों? ठीक है। ठीक है, मैंने खाली ठीक है ना। चलिए, अच्छे ही बताइए। अच्छे चाचा जी, अभी आपकी बहू हुई ज्योति सिंह जी, आज से वो काराकाट क्षेत्र में लोगों से गांव-गांव में इस 40 से 45 डिग्री में धूप में चल रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? अच्छा बात है, मान लीजिए घूम रहे हैं तो अच्छा ना है, जनता से अपना आशीर्वाद, सब लोग घर का परिवार सब लोग घूम रहा है, वो भी घूम रही है, बहू है तो क्यों नहीं घूमे। अच्छा, माँ जी भी आएंगे, चाची जी भी? माँ जी का थोड़ा तबीयत खराब रहता है। अच्छा, ठीक है ना, चक्कर वक्कर थोड़ा मैंने आता है, हम लोग माना किए हैं कि आप मत घूमिए। अरे, इतना सब परिवार घूम ही रहा है, जनता तमाम जनता सब घूमी रही, पवन को तो सब लड़के लोग वोट मांग रहा है। सही बात है। जिस गांव में आप जाइएगा तो जाकर लड़का से पूछिए, हम लोग तो जिस गांव में जाते हैं तो लड़का लोग छाप लेता है कि पवन भैया के चाचा है, पवन भैया के चाचा है।
मैंने आपको भी मैंने साथ में आपको लोग भी जान गया कि पवन सिंह के चाचा है। बिल्कुल जान गए, मैंने आप फेमस हो गए। बिल्कुल तो चाचा है, तो फेमस क्या है? हम आज से फेमस थोड़े हैं, पहले ही से फेमस, पहले ही से फेमस है। बहुत हम लोग जाते हैं तो जहाँ चाचा को देखे हैं वीडियो में देखे हैं, तो मान लीजिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ जाते हैं पहले लड़का लोग चीन जाता है। अच्छे, सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, काराकाट दाऊद नगर ओबरा क्षेत्र आएंगे। आएंगे बिल्कुल, बिल्कुल आएंगे खेसारी जी, वो भी मेरा बेटा है। अनुपमा भी घूम रही है कल। हाँ, अनुपमा जी भी घूम रही है, कल घूमी है, फिर कल ओबरा में घूमेगी। अच्छा, कल ओबरा में घूम रही है। कल्लू जी भी आएंगे, सब लोग आएगा। अच्छा, कल्लू जी भी आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अंकुश राजा जी आ रहे हैं कि नहीं? सब लोग आएगा, सब लोग आएगा। नॉमिनेशन के दिन आप देखवे किए। हाँ, आएगा और आएगा। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। यानी कहने का मतलब है कि भोजपुरी के जितने दिग्गज कलाकार हैं, जिनको लोग नचनिया और बजनिया कर रहे हैं, वो सारे जो हैं से काराकाट क्षेत्र में आने वाले हैं और एक इतिहास लिखने वाले हैं पवन सिंह जी ने। चलकर जवाब देगी। हाँ, जो भी कह रहे हैं हम लोग किसी मतलब रोकेंगे नहीं कि कौन क्या कह रहा है। सही बात, इसका जवाब जनता देगी, जनता ही देगी। बिल्कुल, काराकाट की जनता देगी। तो चलिए हम दोस्तों मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।